मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं परदेश के मौसम को लेकर तो आपको बड़ी अपडेट देंगे ही, लेकिन उससे पहले मारवाड़ी मीडिया के तमाम दर्शकों को आज हम धन्यवाद अर्पित करेंगे क्योंकि आप इतने दिनों तक पूरे मानसून सीजन में हमारे से जुड़े रहे, हमारे वीडियो को खूब प्यार दिया। मानसून 2021 विदा हो गया है, इस मानसून सीजन में आपने हमारे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। हालांकि कभी कभी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित नहीं होती थी तो लोग नाराज भी हुए, लेकिन फिर भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। अब की बार जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ अजीबोगरीब स्थितियां मौसम को लेकर पैदा हो गई थी जिसकी वजह से भी किसान काफी ज्यादा परेशान रहे। इसके अलावा भी राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने अपना अलग अलग रंग दिखाया। चूरू, बीकानेर, नोखा, नागौर के जायल, जालौर, सिरोही, जोधपुर, वहां से लगातार किसान हमारे साथ जुड़े रहे और वहां के लोकल मौसम की जानकारी हमारे से साझा करते रहे, उनका भी हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। और आपको भी कहीं ना कहीं मौसम की अपडेट का बेसब्री से इंतजार होता था, अब मानसून 2021 का सफर लगभग बीत चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि बुधवार से मानसून की विदाई की शुरुआत हो गई है। फिलहाल राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम के कुछ हिस्सों और उससे सटे गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून विदाई ले रहा है और आने वाले 4-5 दिनों के भीतर मानसून पूरे राजस्थान को अलविदा कह देगा। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर के कुछ भागों से लगभग मानसून की रवानगी शुरू हो गई है जिसकी वजह से अब दिन के तापमान बढ़ गए हैं, गर्मी एक बार फिर वापस शुरू हो चुकी है। हालांकि बीते 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के उत्तरी हिस्सों में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली थी और अब आने वाले दिनों में भरतपुर संभाग को छोड़कर राजस्थान के ज्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा और आने वाले दिनों में पश्चिमी क्षेत्रों से एक बार फिर गर्म हवाएं आनी शुरू होगी। हालांकि आपको बता दें उत्तरी राजस्थान और मध्य राजस्थान में कल और आज कई जगह आसमान पर बड़े बड़े बादल भी नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान की सीमा पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके प्रभाव के कारण यह बादल बने हुए हैं। हालांकि यह बादल बारिश देने में सक्षम नहीं है, अगर बारिश होती भी है तो मात्र कुछ जगह बौछारे गिर सकती है, लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश की अब कोई भी विशेष संभावना नजर नहीं आ रही है। यानी कि आपके साथ कुछ खट्टी मीठी यादें छोड़कर मानसून 2021 अब एक बार फिर लौट रहा है। तो यही थी प्रदेश के मौसम और मानसून 2021 को लेकर बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके मन में जो कुछ भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन का निशान दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।